अच्छा सिला जो तीने दिया है प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। ये अय्यासी है, इसको प्यार नहीं कहा जाता। अगर प्यार था उनको तो आप बैठ करके अपने हस्बैंड को समझाती कि हम नहीं रह सकते, तो जिस दिन हमको पता चला तो हम क्या अफेयर करने लगेंगे किसी से, अय्यासी करना शुरू कर देंगे, उस रिश्ते को तोड़ेंगे सबसे पहले। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके SDM बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। पति पसंद नहीं आ रहा है तो घर में बात कर लेते, पति से दूर होने की कोशिश करते, चोरी छुपे इस तरह से चैट मैसेज, लव यू जानू, जो आप लोग चैट में लव यू जानू भी बहुत, हाँ, बहुत सारी बातें हो रही है, तो ये सब बातें कहाँ सही दिख रहा है। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का। जब एक सीमा आपको दिया गया है, हर बार आप देखते होइएगा कि जब जब कोई भारत की महिलाएं अगर सीमा पार की है तो समझ जाइए कि रामायण और महाभारत हुआ है। आपका क्या राय है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि जहां पर हम पुरुष से बात कर रहे हैं तो आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम महिला से बात कर रहे हैं तो वो ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रही है, आप किसके साथ हैं? मैं तो आलोक जी के साथ हूँ। आलोक जी के साथ? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सोच करके कि हम महिला हैं तो महिला के साथ रहे, हम पुरुष हैं तो पुरुष के साथ रहे, और अक्सर होता है कि जब मतलब कोई भी पुरुष वर्ग के लोग गलती करे चाहे ना करे, अब शुरुआत से है कि महिलाओं पे अत्याचार करना, ये सब सुनने को आता है कि नहीं अभी हम लोग को फ्रीडम मिला है, उस फ्रीडम का हम गलत फायदा उठा रहे हैं, और हमेशा से अगर ये सोचेंगे कि नहीं मर्द ही गलत हो औरत सही रहती है हमेशा, ये सही नहीं है, और वो आप परिणाम आप देख रहे हैं कि जब ज्योति मौर्या वाला जो घटना अभी सबके सामने है, इसमें मर्द कहाँ गलत है, वो मर्द जिस उनके अपनी बीवी के, ज्योति मौर्य के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पति के द्वारा 50 लाख रुपया मांगा जा रहा था, और वो पहले बोले थे कि हम जो है अधिकारी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मी है। फंसने के बाद बहुत कुछ हो सकता है, झूठ भी बोला जा रहा है, लेकिन इतना दिन जो आप रिलेशन बिताई, ऐसा तो नहीं है कि अभी शादी हुई है और शादी के पहले वो SDM बन गई, या शादी होने के बाद ही बनी, तो अभी अभी नई नई शादी हुई और ये सब मिल रहा है उनको अत्याचार, अब बहुत कुछ बोलने के लिए बोल सकते हैं, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतने दिन से आप मतलब रिश्ते में थी, और कहीं ना कहीं आप जो जिस पद पे भी हैं उस पद पे बिठाने वाले भी आपके हस्बैंड हैं, क्योंकि आपके सपने को जितना आप नहीं सोचती होंगी उतना वो सोच करके दिन रात एक करके मेहनत करके, पति का कहना है कि हम रात दिन मेहनत करके, यहाँ तक कि जब पैसे नहीं रह रहता था तो भाई से मांग के, पिताजी से मांग के, और वो पढ़ा लिखा के अपनी पत्नी को SDM बनाए, और उसके बाद पत्नी जो है वो बेवफा निकल गई। बिल्कुल सही कहना है, अगर इस तरह का घटना घट रहा है और समाज में खास करके ज्योति मौर्य जी जैसी लेडीज अगर SDM के पद की गरिमा को भी ना ध्यान में रखते हुए, परिवार समाज किसी चीज के, मतलब एक साधारण महिला करती है तो कुछ देर के लिए लगता है कि चलो कुछ वायरल, कुछ लोग जाना कुछ लोग नहीं, ऐसा घटना देखिए सिर्फ ज्योति जी ही नहीं, उसके पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने किया होगा, बहुत सारे पुरुषों ने किया होगा, और हमेशा से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग लोगों का दब के ही रह जाता, परिवार में ही रह जाता, अगर ये सिर्फ परिवार तक रह जाता, क्योंकि इससे समाज पे भी बुरा असर पड़ रहा है। कानूनी दृष्टिकोण से देखिए, हमें मिला है इस चीज का कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, मतलब लेकिन ये छल के साथ किस तरह से, मतलब एक पति के साथ आप रह रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, और समाज में ये गंदा मतलब जो संदेश जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो समाज के लिए गलत है ना। अगर आपको पसंद नहीं है कोई चीज, हम अगर मान लीजिए किसी से इन्वॉल्व है, मेरा किसी की तरफ अट्रैक्शन गया, तो अट्रैक्शन जाने का रीजन ये होता है कि अगर मेरा पति मेरे साथ है और मेरे पे बहुत अत्याचार कर रहा है, मुझे घर से प्यार नहीं मिला, मोहब्बत जो मिलनी चाहिए, जो हर एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है, उसको भी थोड़ा प्यार से ही कीजिएगा, लेकिन अगर एक महिला सबसे पहले प्यार और भाव की भूखी होती है, उसको अगर प्यार से उस घर में रखा जाए, तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम एक पल के लिए सोच सकते हैं कि हम एक कमरे में कैद हो गए हैं, शादी के बाद आए हैं, और ना ससुराल वाला ना सास हमको समझ रहा है, ना ससुर समझ रहा है, ना पति समझ रहा है, ना ननद, कोई नहीं समझ रहा है ससुराल में, हम अकेला हो गए महसूस कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन होना हम समझते हैं कि कुछ पल देर के लिए, हम इसे प्यार कहेंगे, अट्रैक्शन कहेंगे, ये अय्यासी है, इसको प्यार नहीं कहा जाता। अगर प्यार था उनको तो आप बैठ करके अपने हस्बैंड को समझाती कि हम नहीं रह सकते हैं, या कुछ मतलब आप
अब पता चला है उनको 2020 में, 3 साल उनके पति ने झेला इस चीज को। कोई पति तो एक पल में होता है ना कि जब औरत से ज्यादा मर्द ज्यादा गुस्से में आता है अगर इस तरह का घटना देख ले तो, और इस तरह की घटना लगातार 3 साल से वो देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद करते होंगे कि अब लाइन पे आ जाएगी, आज ना कल तो मेरी ही होगी, पत्नी है मेरी तो मेरी ही होगी, तो वो किस मुश्किल दौर से गुजरे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी एक बाकी ये जो मामला है कहीं ना कहीं अभी अगर आप जहां भी सोशल मीडिया खोलिएगा हर जगह आपको ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी को लेकर वीडियो दिख जाएगा। तो आप समाज में कहीं ना कहीं अपने गानों के जरिए से एक मतलब जो संदेश पहुंचाना चाह रही है, चाहेंगे कि वो कौन सा गाना है वो भी सुनाइए लोग। बिल्कुल, गाने का लाइन लगभग उनके स्टोरी पे ही आधारित है। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना में लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिला है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिला है, इस गाने में यही आप सबको बताने आई हूँ। अच्छा सिला ज्योति ने दिया है प्यार का, अच्छा सिला ज्योति ने दिया है प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, अच्छा सिला ज्योति ने दिया है प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। मतलब इतना कुछ आलोक जी ने उनके लिए किया, और ये कहीं ना कहीं प्यार था तभी तो किया, जब किसी के लिए त्याग होता है समर्पण, मतलब त्याग समर्पण को ही तो प्यार बोला जाता है, पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे ही टिका होता है। तो वो कहीं ना कहीं आलोक जी ने तो पूरी तरह निभाया। अगर वो चाहते तो उनको SDM बनाने की जगह घर के कामों में भी लगा सकते थे, जॉब वो खुद सरकारी जॉब में थे, उसके बाद भी अपने से ऊंचे पोस्ट के। और मतलब, सुनने में मुझे ये भी आया, देखिए ये हम लोग तो जो भी जान रहे, जो कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं जान रहे हैं, सब सोशल मीडिया के जरिए जान रहे हैं, वहां तक जाके नहीं देखे, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि पहले से उन लोग का अफेयर था, और शादी के पहले ही ज्योति जी ने बोला था कि मुझे पढ़ना है, और पहले से ही वो हेल्प कर रहे थे। शादी के टाइम में भी जब इनको नौकरी लगी थी तब तक उन लोगों में बातचीत, वो प्यार, मतलब ये रिलेशन भी था, अरेंज मैरिज नहीं था, एक अरेंज कराया गया था, वो रिलेशन भी तो मतलब लव मैरिज ही था, और तब इन्होंने जब बोला कि अब हम लोग शादी करें, तो उन्होंने कहा, ये भी न्यूज हम देखे हैं YouTube पे, और कि आप सबसे बोलिएगा कि वीडियो है, लोगों की नजर में सफाई कर्मी ना हो, और उनके कहने पे जॉब भी किया था, ये भी न्यूज आप लोगों ने सुना होगा कि ज्योति जी के कहने पे सफाई कर्मी का उन्होंने जॉब किया था, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे, और तो जब सब कुछ मालूम था तो झूठ कहाँ से है। और ठीक है, एक पल के लिए अगर झूठ बोला भी गया तो कोई पति पत्नी ऐसा होगा कि मतलब एक झूठ अगर रहेगा तो इतना साल तक छिपा रहेगा, इतना साल तक तो छिपा नहीं रह सकता, अगर छिपा रहेगा तो जिस दिन हमको पता चला तो हम क्या अफेयर करने लगेंगे किसी से, अयाशी करना शुरू कर देंगे, या उस रिश्ते को तोड़ेंगे सबसे पहले, कि पहले हम खत्म कीजिए, तुमने झूठ बोल के तुमने धोखा दिया है, इसका अधिकार है हमें। ये घटना के बाद अब तमाम जगहों पर ये भी चर्चा चल रहा है कि भाई को पढ़ा लो, बेटे को पढ़ा लो, बेटी को भी पढ़ा लो, लेकिन बीबी को मत पढ़ाओ, और एक गाना भी ट्रेंड चल रहा है कि मतलब बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ाओ, बबुनी के लागल बा, ये जो भी गाना गाए हैं मनोज तिवारी जी ने गाए हैं, सांसद जी, ये जो भी गाए हैं, मैंने सुना आज इसके बारे में डिस्कस हुआ है कि ये बहुत पहले गाए थे, और अगर ये आज वायरल हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि लोगों की मानसिकता अभी भी बहुत छोटी है, अभी भी बहुत मतलब क्या होता है ना, ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, अभी भी इस समाज को बहुत ऊपर तक ले जाने में बहुत जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जब समानता की हम बात करते हैं तो क्या बबुनी क्या बबुआ, दोनों को बराबर होना, जैसे अभी बात आप अभी बोले ना कि पहले सिर्फ मर्द पे ही ब्लेम होता था कि नहीं मर्द ही गलत होगा, लोग बोलते मर्द जाति कुत्ता होता है, औरत बेचारी, मतलब एक लाचार में ये फील कराया जाता, लेकिन आज के डेट में बराबर तो हम लोग को दोनों, तो हम लोग सही गलत क्यों नहीं देखते हैं, अगर एक औरत गलती करती है, अभी ज्योति मौर्य ने गलत किया है तो सवाल कुछ निगेटिव भी आ रहे कुछ पॉजिटिव, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि कुछ गलत ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर जाँच होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आलोक मौर्य में गलती है कि ज्योति मौर्य में है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं जज कर देना कि ज्योति मौर्य के चलते हर जो औरत है उनको बदनाम करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अच्छा, आगे भी कुछ लाइन इसमें आप लिखी है। बिल्कुल, इसमें आगे का लाइन है,
जैसे आलोक जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने बहुत मेहनत किया, कर्ज उधार झाड़ू पोछा तो करके बीवी को इस मुकाम पे झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके SDM बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। ये गाने में एकदम से झलक रहा है कि झाड़ू पोछा करके पति ने पत्नी को पढ़ाया। हालांकि हम भी मानते हैं कि इस बात का अभी प्रमाण सामने नहीं आया क्योंकि आलोक मौर्य के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, लेकिन गानों में पूरी तरीके से आप दिखा रही है, सब चीज संदेश पहुंचा रही है कि कैसे एक पति जो है पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी बेवफा निकल जाती है। बिल्कुल, अगर ये अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं समझूंगी 100% ज्योति मौर्य जी की गलती, और इनकी गलती की वजह से समाज में और भी लड़की पढ़ने से भी वंचित। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे महिला जो है महिला होने के नाते ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रही नहीं, है सपोर्ट... लेकिन आप उन लोगों में बहुत अलग है कि कम से कम ज्योति मौर्य ने अगर गलत की है तो आप खुल के बोल रही है महिला होकर भी। बिल्कुल बोलना चाहिए, अब जो हमको दिख रहा है, हम जो देख रहे हैं, ठीक है हम उनके प्रश्न। बाकी सारे महिलाएं ये भी कह रहे हैं कि मतलब हर जगह महिलाएं गलत नहीं होती है, अभी भी बहुत सारा ऐसा मामला है जहां पुरुष भी गलत। एक बात बताइए, सबसे पहले तो उन्हें मतलब वो SDM पोस्ट पे थी, उस पोस्ट का एक वैल्यू होता है, उस पोस्ट से हम इंस्पायर होते हैं, हम मतलब हम आम पब्लिक को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमारी बहुत सारी महिलाओं को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और उस पोस्ट का तो मतलब वहाँ तक ठीक है, उनका हम चलते हैं बात, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ठीक है SDM अलग है, वो जो कर रही है वो अलग है, उनके पर्सनल लाइफ पे अगर बात करते हैं तो कहाँ का ये सही नियम है कि कोई पति आपको थोड़ी देर के लिए, सोचिए पति ही ना हो कोई, अगर और भी इतना मेहनत करके आपको पढ़ाए लिखाए सब कुछ करें तो कहाँ ये नियम है कि उसके एहसान के बदले आप उसको ये सिला दीजिए। ये तो मैं कहीं से सही नहीं मानती हूँ कि हाँ। आप जी ठीक है, आपको अगर पसंद था, पति पसंद नहीं आ रहा है तो घर में बात कर लेते, पति से दूर होने की कोशिश करते, चोरी छुपे इस तरह से चैट मैसेज, लव यू जानू, जो आप लोग चैट हाँ, में लव यू जानू भी बहुत, हाँ, बहुत सारी बातें हो रही है, तो ये सब बातें कहाँ सही दिख रहा है? ये क्या समाज के लिए बहुत अच्छा चीज है? जो महिलाएं सपोर्ट कर रही है तो उन महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगी कि ये समाज के लिए अच्छा चीज है क्या? आप भी वही करना पसंद करेंगी? प्यार करना गलत मैं नहीं मान रही हूँ, प्यार हो सकता है, मैंने कहा ना कि एट्रैक्शन, जब प्यार के नाम पर कहीं ना कहीं ये मतलब जो हो रहा है वो सही नहीं है। प्यार के नाम पे जो हो रहा है और उनके जो पोस्ट है, जो पद है, और जो आलोक मौर्य जी का कहना है कि हमने बहुत मेहनत करके इनको यहाँ तक पढ़ाया, उसके बाद 9 साल की बच्ची इतना दूर तक रिश्ता जाने के बाद और बैक होना, और वो भी चोरी छुपे, अभी तक बैक होती नहीं, वो अभी अगर समाज में पता नहीं चलता तो बैक नहीं होती, ऐसे ही चलते रहता, तो ये तो कहीं ना कहीं अयासी ना, उसको अयासी का नाम दिया जाए। अगर उनमें जरा सा भी रहता कि नहीं हमको पति से लेना देना नहीं, अगर आप किसी एक के साथ ही रह सकते हैं ना, डबल या ट्रिपल या 4-5 बनने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे जगहों पर पति भी होते हैं डबल ट्रिपल के साथ रहते हैं, ये भी मानना होगा, ज्यादातर होते हैं। और अब भले महिला अब खुल के बाहर आने लगी है, अब थोड़ा अभी बक्सर में एक मामला सामने आया है जहां पर एक पति जो है अपनी पत्नी को BPSC का तैयारी करवा रहे थे, और ये मामला सुनने के बाद वो अपनी पत्नी को जहां पर पढ़ा रहे थे वहां से वापस बुला लेते हैं। तो इस घटना के बाद क्या ये सब होना चाहिए? इस घटना के बाद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना कि ये समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही गलत संदेश है समाज में गया है इससे, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है पढ़ने लिखने का, और सिर्फ एक ज्योति मौर्य की वजह से हम सोच ले कि नहीं वो गलत की है तो ये भी, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उस पति पत्नी, हो सकता है पति बहुत, पत्नी बहुत प्यार करती होगी पति से, बहुत फेथ भी करती होगी, पति का रिश्ता कमजोर होगा, जो उस पत्नी पे शक अभी से ही मतलब हुआ कुछ नहीं, किया कोई और भुगत रहे कोई और। इस गाने में क्या आगे भी कुछ लाइन है? आगे का भी लाइन है, जो भी लाइन है इसमें है, जैसे अभी मैंने बात किया कि पद जो पोस्ट होता है उसका भी कुछ गरिमा होता है, और हमारे संस्कृति में भी बहुत कुछ शादी के पहले सिखाया जाता है कि मतलब संस्कृति अभी ठीक है, अभी चेंज हुआ है, माहौल बहुत सारा चेंज हो गया कि भाई जो पति है, जो घर है, जो परिवार है, उसकी एक गरिमा है, उसे बंध के रहना, चाहे जो भी मतलब हमारे माँ बाप का जो हमारा कल्चर है कि मरेंगे जिएंगे, मतलब एक जो हो गया जिससे, लेकिन उसके बाद अगर कहीं कुछ गलती दिखती है तो दूसरी शादी भी होती है, चाहे पति में गलती हो, चाहे परिवार मैच नहीं कर रहा तो डाइवोर्स भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये तरीका जो है गलत है कि हम एक पोस्ट पे हैं और उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, दो बच्चे, दो बच्चियाँ है मेरे, ये, उसके ये बाद सही नहीं, तो उसमें है
पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। क्या यही है परवरिश तेरे संस्कार का, परवरिश यही है तेरे संस्कार का। क्या होगा आलोक जी के संसार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। ये लाइन। अच्छा, और भी कुछ लाइनें हैं इसमें? हाँ, एक लाइन और है लास्ट में। हाँ, लास्ट जो मनीष दुबे जी के लिए स्पेशली। अच्छा, है मनीष दुबे जी के लिए। हाँ, उनका भी इसमें, उनका भी बच्चा है, उनका भी परिवार है, इसके बाद भी किसी गैर लड़की के साथ वो संबंध बनाते हैं। अब देखिए, ये तो बात अभी अभी जस्ट पता चला कि वो भी शादीशुदा है। हाँ, अब ये होने के बाद इस तरह का ड्रामा, तो वो भी एक अधिकारी है और बहुत घटिया काम थी। हाँ। तो लास्ट में लाइन में दी हूँ। हाँ। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का। क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। बाकी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रेम कहानी है पूरे देश में वायरल हो रहा है, इसमें तमाम जो लोग हैं अलग अलग प्रकार से अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने गाने के जरिए संदेश पहुंचा रहे हैं, कुछ और भी युवा हैं। आप गलती किसे मानते हैं ज्योति और वो आलोक में? देखिए, दोनों में 50-50% गलती है। दोनों में गलती। हाँ, है। आप किसे गलती मानते हैं? दोनों की गलती है। आप किसे मानते हैं? हम तो मानते हैं कि ज्योति मौर्या का गलती है। काहे गलती है? हाँ। कि जब एक सीमा आपको दिया गया है, हर बार आप देखते होइएगा कि जब जब कोई भारत की महिलाएं अगर सीमा पार की है तो समझ जाइए कि रामायण और महाभारत हुआ है। तो ज्योति मौर्या का गलती। आप किसे गलती मानते हैं? ज्योति मौर्या का गलती है। क्यों गलती है ज्योति मौर्या का? अगर वो नहीं चाहती तो वो जो अफसर है, अधिकारी है मनीष दुबे, वो उनसे प्यार नहीं करता और अपने पति के बारे में सोचती। शादी संबंध हो जाने के बाद भी अवैध संबंध बनाती है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अच्छा, आप किसे गलती मानते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में? ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य का? बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं पुरुष है इसलिए तो आलोक मौर्य का सपोर्ट नहीं ना कर रहे हैं? ऐसा नहीं। या फिर एक नागरिक के तौर पर कर रहे हैं? एक नागरिक। किसका गलती है? तो देश में गलत मैसेज गया है एक तरह से। अभी देखिए, क्या आने वाले समय में आप लोग भी अपने बहू बेटियों को पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता। नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हर लड़की हर महिलाएं हर पत्नी ज्योति मौर्य थोड़ी बन सकती है। नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं तो मैसेज जा रहा है ना कि देखिए, एक पति अगर राजा बनता है ना तो पत्नी को रानी बना के रखता है, लेकिन पत्नी अगर रानी बन गई तो पति को कभी राजा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि इस कहानी के बाद कितना ज्यादा असर पड़ा है कि पति जो है अब अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अभी जो भाई साहब स्टेटमेंट दिया है, बहू बेटी नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि देखिए, एक ज्योति मौर्या के गलत होने से आप एक आदमी डाकू बन गया तो सब आदमी डाकू थोड़ी बन जाता है। एक बेटा, मतलब कहते हैं ना कि श्रवण कुमार एक बेटा है तो सब बेटा श्रवण कुमार जैसे नहीं बन सकता। वैसे ही एक पत्नी अगर हो गई, बच्चलन हो गई या फिर गलत तरीके से जो भी कर रही है, जो भी समाज में मैसेज, इसका मतलब ये नहीं कि हर पत्नी, तब इसका मतलब कहीं ना कहीं मर्द की कमजोरी है, उसके प्यार में कमी है, उसके विश्वास में कमी है, तभी पत्नी गलत जा सकती है। आपका सोच, अगर ये सोच लिया कि मेरी पत्नी हम ज्योति मौर्या जैसा ना बन जाए, तो इसका मतलब आपको पत्नी पे भरोसा नहीं है। चलिए, बाकी शिखा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, मुझे लगता है कि आप बहुत महिलाओं में कमी है, ऐसी महिला है जो खुल के इतनी भी बाकी से बोल सकती है सही मुद्दों पर। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मैं हमेशा, मैंने पहले ही भी आपसे मिली हूँ जी, तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो सही है वो गलत है, उसको फर्क देखते हुए समाज के हर लोग जागरूक हो भी और जागरूक करे भी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट राय में हमें जरूर मैसेज दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।